जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसा कि हमने पहले बात किया हुआ था कि आपने देखा होगा मैंने जयपुर का रिटायरिंग रूम और आगरा का रिटायरिंग रूम आपको दिखाया कि कैसा होता है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि रिटायरिंग रूम होता क्या है। बेसिकली जब आप कहीं पर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो जब हम होटल की तलाश करते हैं तो कई बार हमें होटल ढूंढने में प्रॉब्लम होती है या फिर अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इंडियन रेलवे IRCTC ने कुछ प्राइवेट वेंडर के थ्रू एक नई सुविधा शुरू किया हुआ है जिसे कहते हैं रिटायरिंग रूम्स की सुविधा। अब और भी चीज़ें लॉन्च वगैरह भी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो मैंने जब आपको दिखाया कि IRCTC के रिटायरिंग रूम्स कैसे होते हैं तो आप सबके कई कमेंट आए कि अगर हम इसको बुक करना चाहें तो कैसे बुक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो रिटायरिंग रूम आप स्टेशन पर पहुँच कर भी बुक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी रिटायरिंग रूम आप बुक कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन बुक करें, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि रिटायरिंग रूम अभी अवेलेबल है कि नहीं है। आप पता चला वहां पहुंच गए और आप अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि इसको बुक कैसे करना है। लेकिन बुक करने से पहले एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि आपके पास PNR नंबर होना चाहिए। PNR नंबर होगा तभी आप इसको बुक कर पाएंगे और आपका जो IRCTC का अकाउंट है उसके लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास होने चाहिए, तो उसी के थ्रू सारा कुछ बुक होता है। चलिए स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप सेम काम कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पर भी। तो आप ऐसे ही वेबसाइट खोलना है आपको लैपटॉप पर भी और मोबाइल फोन पर भी। तो मैं आपको लैपटॉप पर दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ पाएं। यहाँ पर आना है, ये मेरा गूगल क्रोम है, आप कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है IRCTC टूरिज्म टूरिज्म, ठीक है। ये खोलेंगे, सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर कई सारी सर्विसेज हैं जो आ चुकी हैं IRCTC की, तो ये सारी सर्विसेज का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। होटल यहाँ से बुक कर सकते हैं, बस टिकट ले सकते हैं, रिटायरिंग रूम्स है, लॉन्च है, टूर पैकेज ले सकते हैं। कभी इन सब पे डिटेल में बात की जाएगी, अभी मैं इन पर बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है रिटायरिंग रूम, यहाँ पर सीधे क्लिक करना है, एक और नया पेज खुल के आएगा रिटायरिंग रूम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ PNR नंबर डाल के भी आगे चल सकते हैं और अगर आप चाहें तो पहले लॉगिन कर लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लॉगिन कर लें, आगे के लिए आसान होगा। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम और यहाँ पर डालना है पासवर्ड। तो चलिए यूज़र नेम पासवर्ड डाल के फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है और आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपका होगा, आपका जो IRCTC का अकाउंट है वही यहाँ आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है PNR नंबर, जो आपने टिकट बुक करा हुआ है उसके उसका यहाँ पे PNR नंबर आपको पेस्ट करना है। कॉपी कर सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं। एक बार मैं इसको सर्च करके देखता हूँ, ये पुराना मेरा PNR था, अभी एक्सपायर हो गया है तो नया PNR इसमें डालना होगा। तो चलिए नया PNR डालते हैं, ये है मेरा नया वाला PNR नंबर। PNR नंबर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टिकट में भी देख सकते हैं या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट पर जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको टिकट मेल होती है तो वहाँ से आप टिकट का PNR नंबर कॉपी कर पाएंगे। मैंने अकाउंट खोला यहाँ से तो मुझे मिल गया। अच्छा सर्च करते हैं, देखिए ये मेरा टिकट का डिटेल आ गया है, ND+2 हरिद्वार की मेरी ये टिकट है, 7 तारीख को है, 15:20 मेरी टिकट 15:20 में मेरी ट्रेन डिपार्चर होगी और सेम डे 19:33 में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये मेरी टिकट का डिटेल है। तो यहाँ पर सोर्स स्टेशन क्या है, सोर्स में आपको डालना है NDLS, जो आपका सोर्स डेस्टिनेशन है, सोर्स स्टेशन है, डेस्टिनेशन में आपको डालना है हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पे एक नोट आया है, फॉर 1 पैसेंजर 1 सिंगल बेडरूम और 1 डबल बेडरूम और 1 बेड इन डोरमेट्री कैन बी अलाउड, ठीक है। अब आपको चेक इन डेट डालनी है, कब की चेकिंग है, तो 7 तारीख की है तो 7 तारीख को डाल देता हूँ। चेकआउट डेट मैं 8 को चेकआउट करूंगा तो 8 को डाल देता हूँ। बेड टाइप अब यहाँ पर आपको देखना है, आपको डबल लेना है, सिंगल लेना है, डॉर्मेट्री लेना है, जो भी लेना है, आप फैमिली के साथ है तो डबल लेना है या फिर अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो भी, वो आप डिपेंड करता है आपको क्या लेना चाहते हैं। तो जो आप लेंगे उसी हिसाब से इसका चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डॉर्मेट्री लेता हूँ क्योंकि मैं अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये बेस्ट होता है मेरे लिए, ये मैं चूज़ कर लिया। AC non-AC आप ले सकते हैं जो भी आप चाहें, तो मैं अगर यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, कुछ भी मिल जाए चलेगा यार, कोई इशू नहीं है। कोटा किसका है, जनरल लेडीज या फिर जनरल मेल, जो भी आप डालना चाहें तो
सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरली डाल देता हूँ, जनरली है, ओके जनरल चलेगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं अवेलेबिलिटी देखता हूँ अभी है कि नहीं, इसको सेव नहीं करना पासवर्ड अपना। इतने सारे अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये डॉर्मेट्री का रूम नंबर है, बेसिकली केबिन नंबर, रूम नंबर, कुछ भी आप बोल सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। ये टैरिफ है, प्लान देख सकते हैं, 143 143 143। ये फर्स्ट फ्लोर नॉन एसी गीजर अटैच टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट। अब ये भी है फर्स्ट फ्लोर नॉन एसी, ये सारे नॉन एसी वाले हैं, इसमें भी नॉन एसी है। अभी इसमें आपको हो सकता है एसी भी देखे, वैसे हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ पर एसी की जरूरत पड़ती नहीं है, तो ये सारे नॉन एसी वाले हैं, ठीक है। तो आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। 24 आवर्स का है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 24 आवर्स तक आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं कोई सा भी बुक कर सकता हूँ, सपोज मैं D1B ही ले लेता हूँ, या फिर D2C ले लेता हूँ, या D2D ले लेता हूँ, कुछ भी मैं ये ले लेता हूँ चलो। और 24 आवर्स का अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ मार्क करना है यहाँ पर ऐसे, और 24 आवर्स का नहीं लेना है तो आप इसको चेक मार्क भी कर दें, तो कोई ऐसा है नहीं। चलो मैं चेक मार्क कर देता हूँ 24 के, प्रोसेस करते हैं आगे के लिए, ठीक है। जब आप आगे के लिए प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइटल, यहाँ पर मिस्टर फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, मेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी ब्लर में कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है, तो आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब आप पैनल खोलेंगे तो आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट है फॉर SMS, तो वो डाल रखा है। कंट्री आपको इंडियन है, स्टेट कौन सा है आप वो डाल सकते हैं, जो भी हो आपका स्टेट। तो मैं अपना स्टेट यहाँ पर डाल देता हूँ। सिटी नेम में आप डाल सकते हैं जो भी आपका सिटी हो, फादर्स नेम, पिन कोड, और पिन कोड 2101 मैं ये डाल दिया। आईडी आपको क्या दिखाएंगे वो आप अपने पास रखें, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ठीक है, वोटर आईडी कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, अगर आपके पास कार्ड नंबर है, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करना है। मेक अ पेमेंट, पेमेंट आपको करना है 143 रुपीज़, जो आपके रूम फेयर है वो आपको देना है। GST इसमें नहीं है तो 0 GST है। IRCT सर्विस चार्ज है 10 रुपये, वो आपको देना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा चार्ज है यहाँ पर GST ऑन सर्विस पर, 1 रुपये 8 पैसे का आपको चार्ज देना पड़ेगा। टर्म्स कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। डिजिटल भी आप पेमेंट कर पाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, फोन पे, और कई सारी चीज़ें। तो मैं चलो पेमेंट कर देता हूँ पहले इसका फोन पे से। तो मैंने अभी पेटीएम से बुक किया हुआ है, क्योंकि फोन पे भी मेरे मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैंने पेटीएम के थ्रू इसको बुक किया है। अभी देखिए 5 मिनट का टाइम है, मुझे 5 मिनट में पेमेंट करना है। तो 5 मिनट से पहले आपको अपने फ़ोन पर जाना है, और जो पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर जाके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने आप ही, वहाँ पर जाकर आपको पे करेंगे। मैं देखिए जब पे कर चुका हूँ, जस्ट अभी देखिए कुछ ही सेकंड में प्रोसेस हो गया मेरा, देखिए मेरा पेमेंट भी हो गया। अब मेरा जो रिसिप्ट है वो भी आ जाएगा, बुकिंग रिसिप्ट। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में, उसके बाद आप देख पाएंगे कि मेरा जो है टिकट बुक हो गया है। देखिए आपके सामने जो है दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, ये मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है, ये PR रेफरेंस नंबर, PNR नंबर, आपको जैसे कि मैंने पता ही डाला था। ये सारा अमाउंट 150 फी, अमाउंट जो है 155 रुपये है 24 घंटे के लिए। तो आप अगर बाहर होटल वगैरह बुक करते हैं तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि आपको 155 रुपये में पूरे 24 घंटे के लिए होटल मिल पाएगा। तो ये बेस्ट है, सस्ता है और काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और कुछ आपको जानना है तो निश्चिंत होकर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।